नमस्कार दोस्तों, एकेबी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो भी वॉशिंग मशीन के ऊपर में ही है। और आज हम लोग समझेंगे कि इस स्पिनर का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, वो ढक्कन के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है। कहे कि बहुत सारे व्यूअर का क्वेश्चन था दोस्तों कि हमारा जो स्पिनर है वो गन 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 आवाज़ करता है और घूमता नहीं है, तो क्यों नहीं घूमता, इसकी वजह को हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा रहा वॉशिंग मशीन, और ये जो है ये है आपका स्पिनर मोटर, जहाँ पे कपड़ा हम लोग सुखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम अभी घुमा रहे हैं लेकिन ये जाम है, ये चल नहीं रहा। देखिए कितना भी चलाइए ये चलेगा नहीं, ये देखिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैंने पैदा किया है, और इसलिए कि आपको पता चले कि ये जाम क्यों हो जाता है, और इसे जाम अगर है आपका मोटर तो आपको क्या करना है। आपको सीधा है कि आपका जो यहाँ पे स्विच रहता है दोस्तों मोटर को घुमाने के लिए, तो उसे पहले हम लोग घुमाना है इस तरह से, और देखिए इस तरह का आवाज़ आएगा, गन कर रहा ना, तो इस तरह का आवाज़ अगर आ रहा है और मोटर घूम नहीं रहा, सिर्फ हाँ हैं गन 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 आवाज़ कर रहा, तो समझ जाइए कि उसका फॉल्ट जो है नीचे में है। तो नीचे में हम अभी दिखाते हैं इसके बैक साइड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे अभी बंद कर देते हैं, और अगर आपके पास यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ, देखिए मैं हमारा तो ढक्कन यहाँ पे टूट गया है, इसलिए मैंने उस जो इसका सिस्टम है दोस्तों कुछ अलग ही कर दिया है। अगर आपके पास ढक्कन है, ढक्कन खोलने के बाद अगर मोटर जाम है तो समझ जाइए कि वो सिस्टम ठीक है, अगर ढक्कन को बंद कीजिएगा तो वो अपने आप घूमेगा। लेकिन ढक्कन खोलने से क्या होता है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोस्तों वो ऑन हो जाता है, इसमें मोटर में ब्रेक लग जाता है, इसलिए वो आवाज़ करता है, घूमेगा नहीं। लेकिन अगर ढक्कन बंद करने के बाद भी आपका मोटर घूम नहीं रहा है, गन गन आवाज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने पीछे का ढक्कन खोल दिया है, और देखिए यहाँ पे जो देखिए ये मोटर लगा हुआ है, ये हमारा स्पिनर मोटर है, तो यहाँ पे ब्रेक लग जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए अभी हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा नहीं, यानी कि इसका मतलब देखिए एक तरफ से घूमेगा, दूसरे तरफ से ये घूमने नहीं देगा दोस्तों। तो इसका मतलब कि हमारा ब्रेक जो है वो अभी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया है, इसलिए ये घूम नहीं रहा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको चेक करना कि इसका ब्रेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ढक्कन जब बंद करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम वायर को खोल दिए हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये वायर, ये जब खोल देते हैं दोस्तों तो ये ब्रेकिंग सिस्टम जो इसका है वो ऑन हो जाता है। ये जब ढक्कन को बंद करते हैं दोस्तों तो ये देखिए, ये जो रस्सी आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका ढक्कन के साथ कनेक्ट होता है। जब ढक्कन को हम बंद करते हैं तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो खुल जाता है और मोटर हमारा घूमना चालू हो जाता है, और जब ढक्कन को उठाते हैं तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम लूज हो जाता है और ब्रेक लग जाता है, जिसके कारण मोटर हमारा घूमता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो रस्सी आप देख रहे हैं इसे आपको खोल लेना है। खोलने के बाद ये देखिए, ये वाला जो तार आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये तार को आपको खींचना है इस तरह से, ठीक है, देखिए ये खिंचाता है, ये देखिए इस तरह से इसे खींचना है और अपने मोटर को चेक करना है कि आपका मोटर घूम रहा है कि नहीं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हमने खींच लिया इसका रस्सी को, और अभी हम मोटर को आपको घुमाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए मोटर जो है हमारा आसानी से घूम रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, दोनों तरफ से घूमेगा, इस तरफ से भी घूमेगा, देखिए इस तरफ से घूम रहा, ये देखिए। और अगर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, रस्सी को छोड़ेंगे, देखिए ये वायर को हमने, देखिए अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये हमने छोड़ दिया। अब देखिए मोटर को हम घुमाकर दिखाते हैं, देखिए मोटर थोड़ा सा जाम हो जाएगा, ये देखिए मोटर घूम नहीं रहा, एक तरफ से घूमेगा लेकिन दूसरा तरफ से सही से नहीं घूमेगा, देखिए एक तरफ से घूम रहा लेकिन दूसरा तरफ से पूरा हार्ड हो चुका है दोस्तों। तो इसका मतलब यही है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इसे आप यहाँ पे इस तरह से लगा ही दीजिए, इसे खींच कर
यहाँ पे इस तरह से आपको फंसा लेना है। फंसाने के बाद क्या करना है, ढक्कन में जो वायर ये रस्सी लगा हुआ दोस्तों, ये वाला जो ढक्कन में लगा हुआ है उसे वहाँ से खोलना पड़ेगा। तो अभी मैं खोलकर अभी दिखाता हूँ आपको। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पीछे का पैनल जो है दोस्तों, स्विच वाला पैनल जहाँ पे स्विच लगा हुआ होता है, उसके बैक साइड में इस तरह से खोल लेना है। चाहे आपका कोई वॉशिंग मशीन हो, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस तरह का फॉल्ट आता है दोस्तों। यहाँ से देखिए ये खोल लेते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक ही मोटर होता है, उसी से सारा काम होता है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो मोटर लगा हुआ है दोस्तों, दोनों मोटर का काम अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो रस्सी देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका ढक्कन हमारा टूट चुका है। ढक्कन टूटने के कारण हमने क्या किया है, इस रस्सी को पूरा खींच कर आपको यहाँ पे किसी जगह पे आपको स्क्रू से कस देना होगा, टाइट कर देना होगा, जितना ज़्यादा हो सके पूरा खींचना है और अच्छी तरह से टाइट कर देना, ताकि आपका ब्रेक जो है वो लगा नहीं रहे, ब्रेक ओपन हो जाए। उसके बाद आप चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये फिर आपका स्मूथली काम करेगा। देखिए सारा चीज़ हमने लगा दिया है, फिर से रस्सी को टान कर अच्छी तरह से बांध दिया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मोटर को हम घुमा रहे हैं, देखिए कितना स्मूथली चल रहा है, देखिए ठीक है। इस तरह से फिर आपका मशीन जो है वो चलेगा। और अभी हम जैसे स्विच देते हैं दोस्तों, तो ये देखिए स्विच देने के बाद मोटर आराम से घूम रहा है, कोई आवाज़ नहीं है दोस्तों, कोई घनघन का आवाज़ नहीं है। इसे चलाते समय आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आपको हाथ नहीं देना है, हाथ दीजिएगा तो अंदर हाथ चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कट भी सकता है। जैसे देखिए मेरे को अभी लग गया थोड़ा सा चोट, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा समझ के करना होगा। इसे चल ये जब चले तो इसमें आपको हाथ नहीं देना है, इधर साइड में, नहीं तो हाथ आपका खींच लेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका मशीन जो है चालू हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।